मॉर्निंग मेरी प्यारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए मैं युधिष्ठिर यूडी मैथ्स में स्वागत करता हूं आपका। बच्चों आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं, ठीक है ना। क्लास टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री में हमने 90 माइनस थीटा के अलोंग में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की या रेशियोज की वैल्यू पढ़ी है, ठीक है ना। हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ये सारी चीजें पढ़ी है। इस सेशन में हम लोग, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा के साथ साथ माइनस थीटा पे वैल्यू कितनी होगी, 90 प्लस थीटा पे कितनी वैल्यू होगी, ठीक है ना, 180 माइनस थीटा पे, 180 प्लस थीटा पे, ऐसे 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा पे सब पे वैल्यू निकालना सीखेंगे और बहुत आराम से इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, ठीक है ना। तो पूरे ध्यान से इसको समझिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं इसको समझा के ही रहूंगा आपको, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे पास अंत तक, जल्दी से आइए। मैं सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेता हूं, ठीक है ना, क्लियर है, सबको पता होगा ये क्वाड्रेंट बनाना सबको आते होंगे, ठीक है ना। ये जीरो डिग्री है, ठीक है ना, ये वाला आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और इसके बाद आपको ये जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये 180 डिग्री होता है और ये वाले 270 डिग्री होता है, और पूरा चक्कर लगने के बाद यहाँ 360 दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात आप समझते हैं ना, ठीक है ना, पक्का ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये माइनस थीटा एंगल कहाँ होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है ना, बहुत आराम से। मान लो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है ना। तो अगर माइनस थीटा की बात करोगे तो वो नीचे की तरफ होगा, इस तरफ, इधर, इधर में एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, और अगर इस तरफ लिया है तो आप क्लॉकवाइज लेंगे माइनस थीटा, ठीक है ना। अगर यहां पे कोऑर्डिनेट इसके ए कॉमा बी है, ठीक है ना, तो यहां पे इसके कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे आप बताइए, ठीक है ना। अगर ये मान लो पॉइंट पी है तो इसको आप ले लीजिए कितना, पी डैश, और इसके कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, बाई में साइन माइनस का लग जाएगा, ठीक है ना। इतनी बार समझते हो ना, इतनी बात तो समझते हो ना, ठीक है ना। इसमें यार आपको पता होगा ना, प्लस कॉमा प्लस होता है और इसमें कितना होता है बता, प्लस कॉमा माइनस, तो जो बाद वाला नंबर होगा उसके साथ में माइनस साइन जुड़ा होगा। इतनी बात समझते हो, ठीक है, बस इतना ही समझाना था मुझे आपको। तो देखो ध्यान से देखना, अगर यहां पे ये जो पहला वैल्यू होता है ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा वाला होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो अगर यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है ना, अगर इस यूनिट रेडियस का सर्किल माना जाता है और इस ओपी को हम हमेशा वन यूनिट लेते हैं, हमेशा ही वन यूनिट लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, पक्का समझ में आ गया। इस ओपी को हमेशा कितना लेते हैं, वन यूनिट का लेते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है ना। आइए यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ए है, ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा ए कॉमा जीरो, ठीक है ना, और ये ऊपर में जो डिस्टेंस है ये वाला हो जाएगा आपका कितना, बी, और यहां आपका ये ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से निकालूं साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मतलब बी अपॉन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू वन है, तो कहने का मतलब यहां से मिल जाएगा आपको कि बी बराबर साइन थीटा, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा, कॉस का मतलब होता है बेस, है ना, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहां से ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने यही आपको बताया था, जो पहला नंबर है ये कॉस को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा वाला नंबर है वो साइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है, पक्का बैठ गए, समझ में आ गया ना आपको। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी, ए और बी का मतलब कॉस और साइन, ए का मतलब हम कॉस से समझेंगे, बी का मतलब साइन से समझेंगे, तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों चीजें कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, याद हुआ आपको, याद हो गया। आइए दूसरे क्वाड्रेंट में देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर साइन और कॉस पॉजिटिव है तो यार सब कुछ पॉजिटिव होगा, इसलिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में। तो आप लोगों ने सीखा होगा कि 90 माइनस थीटा के लिए सबके साथ में प्लस साइन लगता था। अच्छा दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले का साइन बताइए, माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस का मतलब समझ में आया, ये कॉस होता है और ये साइन होता है, तो यहां कॉस नेगेटिव रहेगा और साइन पॉजिटिव रहेगा, तो यहां कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पे जो होता है वो माइनस कॉमा माइनस होता है, कहने का मतलब दोनों ही नेगेटिव होते हैं। दोनों ही नेगेटिव होने का मतलब साइन और कॉस दोनों नेगेटिव, तो कौन पॉजिटिव बनेगा? तो ऐसी सिचुएशन में आपका टेन पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो ये होता है कॉस, ठीक है ना, और ये होता है साइन, यही तो होता है ना। तो इसका साइन कैसा है देखो, तो यहां पे कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, ठीक है ना। तो आपको एक बात याद रखनी, कैसे भी याद कर लो, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई करता है तो वो एंगल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब ऑल पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले के लिए साइन पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला साइन पॉजिटिव होगा, तीसरे वाले में टैन पॉजिटिव होगा, चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव होगा। तो ऑल साइन टैन कॉस, ये आपको याद रखना, ऑल साइन टैन कॉस। लोग याद करने के बहुत सारे तरीके से समझते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एट सुगर टू कॉफी, ठीक है ना, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, अलग अलग तरह के लोग याद करने का अलग अलग तरीका अपनाते हैं। बस हमें, हमारा पर्पज सिर्फ इतना है कि याद होना चाहिए ऑल साइन टेन कॉस चारों क्वाड्रेंट का। ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। अच्छा एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें साइन पॉजिटिव है तो कॉसिक भी पॉजिटिव होगा, यहाँ अगर टेन पॉजिटिव है तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, पक्का। चलें आगे ध्यान से करें। अच्छा एक बात आपको और समझनी है कि इस क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल लिया जाता है तो कैसा होता है? वो हमेशा 90 माइनस थीटा के हिसाब से होता है, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात समझिए, दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, यहां पे अगर लोगे आप भाई ये 90 है और 90 से आगे अगर एंगल लोगे तो 90+θ बनेगा। बोलो आप बताओ क्या कहते हो भाई, ये लाइन 90 डिग्री की है, इससे आगे का एंगल होगा तो 90+θ होगा, या क्या ले सकते हैं हम, या हम ले सकते 180 माइनस थीटा, मतलब यहां से चल के उल्टा भी चल सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से ये बात हो गई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा चलेगा, ठीक है ना, और इस वाले क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना, क्या 90+θ भी हो सकता है और 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही दिखेगा आपको, जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अच्छा यहां भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ 180 प्लस थीटा भाई 180, और प्लस में आओगे तो प्लस थीटा, तो यहां पे बन जाएगा 180 प्लस थीटा, ठीक है ना। और यहां पे अगर आओगे और अगर पलट के आओगे पीछे से, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 270 माइनस थीटा, ठीक है ना। अच्छी बात, अगली बात, इधर में चलोगे तो 270 प्लस थीटा चल जाओगे भाई, 270 डिग्री है और इससे भी बड़ा एंगल होगा तो 270 प्लस थीटा चलोगे, है ना। और अगर पूरा चक्कर लगाने से वापस में आ रहे हो तो आप ऐसे भी चल सकते हो, कैसे, 360 और माइनस थीटा, ठीक है, यहां पे 360 बनेगा और 360 प्लस थीटा फर्स्ट में चला जाएगा, तो फर्स्ट में जाएगा तो वैसे फिर से रिपीट होना शुरू कर जाएगा, तो वो बातें बहुत आसान है, ठीक है ना। चलो आ जाओ ध्यान से याद करते हैं। तो हमें इतनी बात याद होगी कि इस क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा लेते हैं, इस क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा भी लेते हैं और 180 माइनस थीटा भी लेते हैं, ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है ना। इसकी बात करोगे तो 180 प्लस थीटा भी लेते हैं और 270 माइनस थीटा भी लेते हैं, ठीक है ना, एंगल। अच्छा इस क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल लाई करता है तो कैसा होगा? या तो 270 प्लस थीटा टाइप का होगा या तो वो 360 माइनस थीटा टाइप का होगा। इतनी बात और याद हो गई, हमने दो बातें अभी तक याद कर ली कि किस क्वाड्रेंट में एंगल कैसा ले सकते हैं। अगली बात कि किस क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है, ये भी बात हो गई। तो देखो ऑल साइन टेन कॉस, भाई ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट वहीं से चलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कैसे, देखो प्लस कॉमा प्लस दोनों प्लस, मतलब साइन कॉस दोनों प्लस, जब दोनों प्लस तो सारे प्लस, ठीक है। यहां देखो माइनस कॉमा प्लस, तो कॉस कॉमा साइन, कॉस कॉमा साइन, कॉस कॉमा साइन, ठीक है ना। जैसे आप लोग लेते थे ना एक्स कॉमा वाई, तो ऐसे ही अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लेना पड़ेगा तो कॉस कॉमा साइन लेंगे, समझ गए आप। चले आगे बढ़े, पक्का। चलिए आइए अब इन सबकी वैल्यू याद करते हैं और आपको ध्यान से समझाते हैं। देखो यार कोई भी लाइन, कोई भी एंगल, ये चाहे ये लें, चाहे ये लें, ये लें,
चाहे ये लें, चाहे ये एंगल लें, या ये एंगल लें, या ये एंगल लें, कुछ भी लें, ठीक है ना, जो भी वर्टिकल लाइन को क्रॉस करेगा, टच करेगा, तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे ही उसने 90 वाली अर्थात वर्टिकल लाइन को टच किया, वैसे ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेना पड़ेगा। याद कर लो बहुत ध्यान से, जैसे ही वर्टिकल लाइन को टच किया, वर्टिकल लाइन को टच करने का मतलब समझते हो आप? देखो ध्यान से, वर्टिकल लाइन ये 90 है, जहां भी 90 आता होगा, जहां भी 90 आता होगा, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही इसीलिए आपने याद करा था, ध्यान से देखना, आपने याद करा था कि साइन 90 माइनस थीटा की बात करोगे तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन होता है, तो कॉस आता है, याद है ना। तो कहने का था कहां कहां कॉम्प्लीमेंट्री लेना है आपको, ये याद करवाने की कोशिश करूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। तो देखो कहां कहां कॉम्प्लीमेंट्री लूंगा मैं, 90 माइनस थीटा में कॉम्प्लीमेंट्री लगाऊंगा मैं, 90 प्लस थीटा में कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ठीक है ना। दूसरा ये वर्टिकल लाइन ये यहां और है, कहां 270 माइनस थीटा वर्टिकल कॉन्सेप्ट कौन सा लगाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ऐसे 270 प्लस थीटा में कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट जरूर लगाएगा, जब भी साइन 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, जब भी साइन 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, या जैसे ही जब भी हम 270 माइनस थीटा की बात करेंगे, जैसे हम 270 प्लस थीटा की बात करेंगे, हमें कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेने, जब भी वर्टिकल लाइन वाला एंगल इन्वॉल्व होगा, जब भी वर्टिकल लाइन मतलब 90 और 270, चाहे 90 से माइनस हो, चाहे 90 में प्लस हो, ऐसे चाहे 270 से माइनस हो, चाहे 270 से प्लस हो, कभी भी जैसे ही वर्टिकल लाइन से आप गुजरेंगे, चाहे पीछे चाहे आगे, ठीक है ना, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है हमेशा। और कॉम्प्लीमेंट्री पता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इतने सारे फॉर्मूले फट से याद करा देंगे आपको, विद इन मिनट्स में याद करा देंगे, पक्का 100% गारंटी। अब आ जाओ, ठीक है ना, पक्का चलें। आपको ध्यान क्या रखना कि जब भी ये चार एंगल की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अच्छा, बाकी के लिए नहीं लगाएंगे। अगर आपसे कहीं आ जाए कि 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो अगर साइन में है तो इसका आंसर भी साइन में ही आएगा, साइन प्लस माइनस कुछ भी लगे, बट यहां भी साइन ही आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए साइन 180 प्लस थीटा की बात करेगा, तो आपको 180 वर्टिकल लाइन तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, तो यहां भी साइन का साइन ही आएगा। ऐसे ही अगर बात करें किसकी बात, इस वाले की बात करें, किसकी 360 और 360 माइनस और 360 प्लस, तो इन दोनों में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए इस बात की कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल तभी होता है जब एंगल वर्टिकल लाइन से पास होता है, या तो पीछे आता है या आगे जाता है। वर्टिकल लाइन का मतलब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, ठीक है ना, क्लियर है। तो बता लोगे ना आप, 100% बता लोगे। आपको कितनी बातें याद रखनी है, एक तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो उसके लिए क्या करना है, ऑल साइन टेन कॉस। आप देखें, आओ जवाब दो आके, चलो आ जाओ, आपका नॉलेज देखें आपने क्या क्या, क्या सीख लिया, आ जाओ। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। मैं साइन 90 माइनस थीटा तो हमें पता है बहुत आराम से, मैं प्लस थीटा वाले याद करा रहा हूं। तो देखो 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 ध्यान से देखना, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो सारी फॉर्मूले सिखा रहा हूं आपको, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, फिर उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, अगला सेक कॉसेक है ना, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा। इन सबकी अगर वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि एंगल वर्टिकल वाला है तो साइन का कॉस में जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और बोलो बोलो जल्दी बोलो,
cot theta, cot का tan theta, complementary लगा रहा हूं, sec cosec theta, cosec का बता, cosec का बोला, cosec का sec theta। अब देखो ध्यान से, अब आपने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला पॉजिटिव रहेगा, साइन वाला मतलब ये वाला, ये नहीं देखना है, ये देखना है आपको, ये पॉजिटिव रहेगा और साइन रहेगा तो कॉसेक रहेगा, ठीक है ना। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा वाले ये पॉजिटिव रहेगा, बाद वहां के ये पॉजिटिव रहेगा, कॉसेक वाला बाद वहां के सब में नेगेटिव साइन लग जाएगा। याद हुआ आपको, पक्का याद हो गया, दोबारा फिर से सुन लो, नहीं फिर बाद में कंफ्यूजन हो आपको। हम ये एंगल देखते हैं, ये साइन, ये साइन, ये एंगल, ये 90 ने क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री को लाया, ये साइन क्या करेगा आपको देखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, आपको भी साइन, ऑल साइन, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि साइन पॉजिटिव रहने का होता है, यहाँ कॉस आया तो कॉस में नेगेटिव लगा देना, इसके हिसाब से साइन आपको यहाँ लगाना होता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने ये 90 प्लस थीटा लिखे, ऐसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी एंगल में ये वाले भी लिख सकते हैं, कैसे देखो ध्यान से देखना, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, ऐसे कॉस 180 माइनस थीटा, ऐसे आपका हो जाएगा टेन 180 माइनस, आप भी लिखो मेरे साथ, ठीक है ना, ऐसे कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, ऐसे sec 180 माइनस थीटा, ऐसे cosec 180 माइनस थीटा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने याद कर लिया कि 180 में एक वर्टिकल लाइन आती नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो इधर साइन ही आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगता है इसमें, तो cos ही आएगा, इसमें tan ही आएगा, इसमें cot आएगा, ठीक है ना, और इसमें sec आएगा, ठीक है ना, और इसमें cosec आएगा, ठीक है, सभी के साथ में थीटा एंगल भी लगा दो। चलो याद हो रहा है ना, पक्का याद हो रहा है, चलिए आइए अब देखो ध्यान से, दूसरे क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन मतलब ये पॉजिटिव रहेगा और cosec बाकी बाद बाकी सभी में नेगेटिव साइन लगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, देखो एक दो तीन चार, इन चारों में नेगेटिव लगा था, यहां भी चारों में नेगेटिव लगा, तो याद हुआ ना आपको, अच्छे से याद हो गया, पक्का लिखवाओगे, अगली वैल्यू लिखवाओगे, आप मेरे साथ दोगे ना, चलो आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ, ए मिटाल के लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, और लिखना भी जरूरी नहीं, आप सीख लीजिएगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे, ठीक है ना। तो देखो अभी तक हमने सेकेंड क्वाड्रेंट वाले एंगल को डिस्कस किया था, अब थर्ड वालों को डिस्कस कर लेता हूं। थर्ड वाले में क्या करेंगे, देखो साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ऐसे टेन 180 प्लस थीटा, है ना, ऐसे कॉट 180 प्लस थीटा, ऐसे सेक 180 प्लस थीटा, ऐसे cosec 180 प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा दूसरा अगर दूसरा तरीका क्या है, इसमें 270 माइनस भी ले सकते हैं, तो ऐसे इसका भी लिख लो, देखो sin में 270 माइनस थीटा, cos में 270 माइनस थीटा, और इसमें tan में 270 माइनस थीटा, ठीक है ना, और कॉट में 270 माइनस थीटा, सेक में 270 और माइनस थीटा, ठीक है ना, और कॉसेक में 270 और माइनस थीटा, ठीक है। चलो आपको देखना है साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, ऐसे मैंने सारे लिख रखे हैं, ऐसे साइन के साथ में 270 माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल्स को डील कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको देखना है कि टेन वाला पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। तो देखो टेन वाला कौन है, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। अच्छा टेन पॉजिटिव रहेगा तो कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, ऐसे यहां देख लो कि टेन वाला ये है तो ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस रहेगा, और कॉट वाला भी प्लस रहेगा, बाद बाकी सारे नेगेटिव में चले जाए। चलो आ जाओ, अच्छा 180 प्लस थीटा है, तो 180 प्लस थीटा का मतलब, 180 प्लस थीटा का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन
से पास हो रहा है, वर्टिकल लाइन से पास नहीं हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो साइन का यहां साइन ही रहेगा, ठीक है ना, ऐसे कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है ना, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, ठीक है ना, और सेक का सेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, ठीक है ना। बस थर्ड में कौन जो भी नेगेटिव होते हैं सारे नेगेटिव, तो देखो दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब में नेगेटिव लगा देना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ऐसे ध्यान से इधर देखो, ऐसे ध्यान से देखना, मैंने साइन यहां लगा लिया, बाद बाकी में सब में नेगेटिव साइन है, तो माइनस माइनस और माइनस और माइनस हो गया ना, ठीक है ना। अब देखो 270 के साथ मैंने बोला था कि जब भी वर्टिकल लाइन को टच करेगा ना तो आपका एंगल जो है कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री में ये करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग ये करेंगे, ध्यान से देखना है ना, कि इनका कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट लगेगा। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन कॉस, ठीक है, ऐसे कितना इसमें आ जाए, जल्दी से आ जाए इसमें आ जाए, हाँ तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा साइन, हाँ ठीक है, इसमें कॉट, इसमें टेन, ठीक है ना, इसमें कॉसेक, ठीक है, इसमें सेक, ठीक है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, तो आपको सिर्फ बोलना है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। ऐसे कॉस में 180 प्लस थीटा कितना होता है, तो आपको बताना है कि माइनस का कॉस थीटा होता है। तो फॉर्मूले बनाने सीखने हैं आपको, याद तो नहीं कर पाओगे इतने सारे, ठीक है ना, क्लियर है। तो बस थोड़ी दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट रखेगा और ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो थर्ड एंगल के एंगल्स डिस्कस कर लिए हमने, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू याद हो गई आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे चलेंगे, या तो 270 प्लस थीटा के साथ चलेंगे या 360 माइनस थीटा के साथ चलेंगे, है ना। चलो आ जाओ, चलो क्लियर है। मैं अपने काम को थोड़ा आसान कर लेता हूं, मैं अपने काम को थोड़ा सा आसान कर लेता हूं। देखो ध्यान से, मैं यहां पे प्लस लगा दे रहा हूं, यहीं पे प्लस लगा दिया मैंने सब में, ठीक है, क्लियर है, यहां प्लस लगा दिया। अच्छा आपको एक बात और बतानी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखा कॉस पॉजिटिव रहता है, तो कॉस वाले के साथ प्लस लगा लो, कॉस कहां है, कॉस कहां है, ठीक है ना, क्लियर है, कॉस यहां है तो यहां पॉजिटिव लगा लीजिए। अच्छा सेक के साथ में पॉजिटिव लगा दीजिए, सेक कहां है, सेक ये है तो यहां पे प्लस लगा दीजिए। बाद बाकी सारे कैसे, आपको अगर नेगेटिव तो सब में नेगेटिव लगा दीजिए, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव लगाइए है, ये नेगेटिव लगा लीजिए, ये नेगेटिव लगा दीजिए और यहां से ये नेगेटिव लगा दीजिए, ठीक है। नहीं सेक का कैसा होता है, सेक पॉजिटिव होता है, प्लस लगाना है, ठीक है, समझ गए। ऐसे देखो 180 वाले में मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है ना, 180 को यहां मिटाल के 360 लिख लो, 360 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसे 360 माइनस थीटा, ठीक है ना। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, आप लोग समझ चुके होंगे इसलिए भी, ठीक है ना, ऐसे ही देखो 360 माइनस थीटा, ऐसे 360 माइनस थीटा, ऐसे 360 और माइनस थीटा, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा ठीक है ना, अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, आपको पता है कॉस पॉजिटिव रहता है, तो कॉस वाले में लगा दीजिए, कॉस में प्लस और सेक में प्लस, बाद बाकी में माइनस लगा दीजिए, लीजिए लग गया, ठीक है ना। ऐसे अगर फर्स्ट हुआ और 390 प्लस थीटा में कैसे चले जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट का मतलब आप समझते हो, है ना, फर्स्ट का मतलब आप बहुत तरीके से अच्छे से समझते हो, ठीक है ना, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने कोशिश करी आपको ये सारी चीजें समझाने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे, आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, ऐसे ही कॉस में, ऐसे ही टेन सेक, सभी के लिए बता सकते हो आप, ऐसे ही 270 प्लस थीटा क्या होता है, 270 माइनस थीटा क्या होता है, ऐसे 360 प्लस थीटा क्या होता है, 360 माइनस थीटा क्या होता है, सारे एंगल्स आप बहुत आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। अच्छा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो पीरियोडिक होने की वजह से, ठीक है ना, एक इंटरवल के बाद या 360 के बाद ये सब एक दूसरे की वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। वैसे टेन और कॉट
ये तो 180 के बाद ही अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज सारे बच्चों में वीडियोस को वायरल कर दीजिए।